ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ। इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में आपको तीन महिलाएं वर्दी पहने दिखाई दे रही होंगी। दो लेडी कॉन्स्टेबल चमकदार वर्दी पहने नजर आ रही है, सिर पर टोपी है और पैरों में जूते। अब जरा जो महिला बीच में खड़ी है उसको ध्यान से देखिए, इसकी वर्दी भी थोड़ी अलग सी नजर आ रही है और पैरों में जूतों की जगह चप्पल है और चेहरे पर मास्क है। आखिर है क्या माजरा, क्यों ये जब बीच में महिला कांस्टेबल की वर्दी पहने खड़ी है अलग सी दिखाई पड़ रही है? दरअसल ये महिला असली पुलिस कांस्टेबल नहीं है। इतना ही नहीं, इसकी वर्दी के साथ साथ यूपी पुलिस का बैच भी नकली है। अब सवाल है क्यों ये फर्जी कांस्टेबल बनी? जब आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के सहारनपुर का है। यहाँ पर पूजा नकली वर्दी पहनकर फर्जी कांस्टेबल बन गई और सड़कों पर वर्दी का रौब दिखाने लगी। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि क्यों पूजा कांस्टेबल बनी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल पूजा ने फिल्मों और अखबारों में पुलिस का काम देखने के बाद वर्दी पहननी शुरू कर दी और लोगों को धमका कर वसूली करने लगी। साथ ही ये भी सामने है कि पूजा का पति शिवचरण पूजा को मारता पीटता था। पति की पिटाई से बचने के लिए पूजा फर्जी कांस्टेबल बन गई। पूजा एक दिन अचानक पुलिस की वर्दी पहनकर घर गई तो शिवचरण चौंक गया, जिसके बाद पूजा ने बताया कि उसकी पुलिस में नौकरी लग गई है और अब अगर उसने मारपीट करी तो पूजा शिवचरण को जेल भिजवा देगी, जिसके चलते शिवचरण ने पूजा के साथ मारपीट करना बंद कर दिया। आइए SP सागर जैन से जानते हैं कि कैसे उनको इस फर्जी कांस्टेबल का पता चला और कैसे फिर पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया। स्थानीय लोगों द्वारा यह सूचना दी गई कि एक महिला है जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर क्षेत्र में घूम रही है। इस सूचना पर जब थाना देवबंद पुलिस द्वारा जांच की गई तो एक महिला जो है पुलिस की यूनिफॉर्म में क्षेत्र में घूमती हुई मिली और जिन्हें की गिरफ्तार कर लिया गया है और इस प्रकरण में इनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सिविल सर्वेंट के प्रतिरूपण की धारा में और आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनके कब्जे से एक यूनिफॉर्म भी बरामद हुई है और इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने लोकल खाकी का एक कपड़ा ले रखा था और वहां से उन्होंने एक यूनिफॉर्म तैयार कराई थी। पुलिस ने आरोपी पूजा के पास से वर्दी के साथ यूपी पुलिस का बैज बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।